8 अप्रैल को हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की कोठी की पुलिस ने कुर्की तो कर ली है, लेकिन कुर्की के दौरान हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के आलीशान घर से जो सामान बरामद हुआ है उसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक अब्दुल मलिक के घर से करोड़ों रुपए का बेशकीमती सामान बरामद हुआ है, यहाँ तक कि कई देशों की विदेशी करेंसी भी बरामद की गई है। अब्दुल मलिक की आलीशान कोठी हल्द्वानी के भनभूलपुरा में लाइन नंबर 8 में बनी हुई है। अब्दुल मलिक के घर पर कुर्की की कार्रवाई 16 फरवरी दोपहर के बाद से 17 फरवरी देर शाम तक चली। कार्रवाई में पुलिस को बेशकीमती घड़ियां, सऊदी का इत्र और विदेशी करेंसी के साथ ही एक ऐसा डाइनिंग टेबल सेट मिला है जिसकी कीमत लाखों में आकी जा रही है। कुर्की की कार्रवाई पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी में की गई। अब्दुल मलिक लाइन नंबर 8 में बने घर में अपनी पत्नी, बेटे मोईद और बहू के साथ रहता है। इस कोठी में करीब 15 कमरे हैं। पुलिस ने मलिक के घर से हर वो सामान जब्त कर लिया जो बिक सकता है, जिसमें घर के खिड़की और दरवाजे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अब्दुल मलिक के घर से करीब 1.5 दर्जन विदेशी घड़ियां बरामद की गई हैं। कुर्की के दौरान अब्दुल के घर से 30 जोड़ी से अधिक चप्पल जूते, लाखों का झूमर और हर कमरे में पुलिस को महंगे बेड और सोफे सेट मिले हैं। पुलिस ने घर के दरवाजे पर पड़े डोरमेट से लेकर छतों के पंखे, बाथरूम में लगे गीजर, फर्नीचर, ज्वेलरी, साजो सामान जब्त कर लिया। विदेशी घड़ियां, सऊदी का इत्र, जिम का सामान, सोफा सेट, क्रॉकरी, वाहन समेत सब कुछ जब्त कर लिया गया है। भनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के घर में जब पुलिस टीम ने छानबीन शुरू की तो वहां रखी अलमारियों में भारतीय मुद्रा के साथ साथ विदेशी मुद्रा भी मिली, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, सऊदी अरब और कुछ बाकी देशों की करेंसी शामिल बताई जा रही है। हालांकि उनकी संख्या कितनी है इस बारे में पुलिस फिलहाल कुछ नहीं बता रही। बता दें कि 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में बवाल हो गया था। वहां नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था। सबसे आगे अब्दुल मलिक था, वो अधिकारियों से बहस करता भी दिख रहा है। अब्दुल मलिक ही बवाल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। बता दें कि 8 फरवरी को हल्द्वानी में हुई हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 300 लोग घायल हुए थे। इस मामले में अब तक 35 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।